हॉलीवुड सिल्वर स्क्रीन प्रेजेंटिंग यू यू हकुशो। कहानी की शुरुआत में हम उरामेशी नाम के एक लड़के को देखते हैं, जो अपने स्कूल की छत पर बैठकर स्मोक कर रहा था। तभी उसकी बचपन की दोस्त कीको वहां पर आती है। कीको कहती है कि जल्दी चलो, सर तुमको बुला रही है। वहीं दूसरी ओर हम स्कूल के कुछ बदमाश बच्चों को एक किरिनो नाम के बच्चे से पैसे छीनते हुए देखते हैं। तभी उरामेशी भी वहां से गुजरने लगता है। वो किरिनो को उन बदमाश बच्चों से बचाता है, लेकिन तभी उनके टीचर वहां पर आ जाते हैं। टीचर को लगता है कि उरामेशी उन बच्चों को धमका कर पैसे छीन रहा है, इसीलिए उरामेशी किरिनो को पैसे देकर टीचर से कहता है कि मेरा जो मन करेगा मैं वही करूंगा, और वहां से चला जाता है। अब हम एक बहुत बड़े सिंकहोल को देखते हैं, जिसके अंदर से एक खास किस्म का कीड़ा निकलता है। इधर उरामेशी की मॉम टीवी पर साकियो नाम के एक आदमी को देखती है, जो एक बहुत बड़े कैसीनो का मालिक था। उसका सपना था कि वो शहर में मौजूद सदियों पुराने सिंकहोल के जरिए लोगों को एंटरटेन कर सके। तभी उरामेशी घर आता है और उसकी मॉम को बहुत डांटती है, क्योंकि वो स्कूल बीच में छोड़कर आ गया था। मॉम की डांट से परेशान होकर वो घर से बाहर चला जाता है। तभी पीछे से कुआबरा नाम का एक लड़का उसको आवाज देता है। कुआबरा खुद को मोहल्ले का गैंगस्टर समझता था। उरामेशी उसको देखकर कहता है कि कल की मार भूल गए क्या, जिस पर वो कहता है कि कल तो मुझको मार पाए क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, लेकिन कल का बदला मैं आज लेने आया हूँ। जिसकी बात उरामेशी कुआबरा को खूब मारता है। कुआबरा के दोस्त उसको रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो हार मानने को तैयार नहीं था। उरामेशी उसको खूब मारता है और फिर वहां से चला जाता है। उसके दोस्त कुआबरा को उठाते हैं तो वो कहता है कि कहां गया वो डरपोक, मैंने अभी तक हार नहीं मानी है। उरामेशी वहां से अपनी बेस्ट फ्रेंड कीको के साथ रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए चला जाता है। इधर हम देखते हैं कि सिंकहोल से निकला वो कीड़ा एक वैन के ड्राइवर की नाक में घुस जाता है, जिसके बाद वो अपना आपा खो देता है और अपने ट्रक को गलत तरीके से चलाने लगता है। वहीं रेस्टोरेंट में कीको उरामेशी से कहती है कि आज तुम स्कूल में उस लड़के की मदद कर रहे थे, फिर भी सबने तुमको गलत समझा, तुम किसी को समझाते क्यों नहीं हो। जिस पर वो कहता है कि मैं हर किसी को समझाता थोड़ी रहूंगा। कीको कहती है कि तुम कभी मेरी बात नहीं मानते, जिस पर उरामेशी कहता है कि अरे यार तुम्हें इन सब से क्या लेना देना, तुम अपने काम से काम क्यों नहीं रखती। कीको को उसकी बातें बहुत बुरी लगती हैं, इसलिए वो कहती है कि आज के बाद तुम मुझसे बात मत करना, भाड़ में जाओ और मर जाओ। उरामेशी वहां से चला जाता है, पर तभी वो ट्रक ड्राइवर अपनी वैन लेकर उसकी तरफ आता है। वो अपने सामने आ रही हर चीज को टक्कर मारते जा रहा था। वो एक बच्चे को टक्कर मारने वाला होता है, लेकिन उरामेशी उस बच्चे को बचाने के लिए चला जाता है और वो खुद वैन के नीचे आ जाता है। लेकिन उरामेशी बिल्कुल ठीक ठाक खड़ा था, उसको एक खरोच तक नहीं आई थी। तभी कीको रोते हुए वहां पर आती है और उरामेशी का नाम लेते हुए एक एम्बुलेंस के अंदर चली जाती है। उरामेशी कहता है कि तुम रो क्यों रही हो, मैं यहाँ तुम्हारे पीछे खड़ा हूँ। फिर जब एक फायरमैन एम्बुलेंस के दरवाजे को बंद करता है तो उरामेशी समझ जाता है कि वो मर चुका है। तभी वहाँ पर माउथ की परी अपीयर होती है, जिसका नाम बॉटन होता है। वो उरामेशी से सवाल जवाब करना शुरू करती है। वो समझ जाता है कि वो उसको अपने साथ लेकर जाने के लिए आई है, इसलिए वो उससे कहता है कि ले चलो मुझको नर्क में, मैं जाने के लिए तैयार हूँ। तभी वहाँ के सिटीजन इनविजिबल होने लगते हैं और वो बॉटन के साथ एक दूसरे डिमेंशन में एक नाव पर पहुँच जाता है। बॉटन उसको नदी के रास्ते अपने साथ अपने बॉस के पास लेकर जाती है, जो कि कोई और नहीं बल्कि यमराज थे। अब हम यमराज को देखते हैं। वो अपने ऑफिस में ये डिसाइड कर रहे थे कि किस आत्मा को स्वर्ग में जाना चाहिए और किस आत्मा को नर्क में। यहाँ पर यमराज उन लोगों को भी स्वर्ग में डालने का फैसला करते हैं जिन्होंने हॉलीवुड सिल्वर स्क्रीन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ था। जोक्स अपार्ट, अब अपना काम खत्म करके यमराज उरामेशी से कहते हैं कि तुम एक अच्छे काम को करते हुए मारे गए, इसलिए मैं तुमको फिर से जिंदा होने का एक मौका देना चाहता हूँ, पर तुम्हें मेरे लिए एक काम करना पड़ेगा। उरामेशी पूछता है कि कौन सा काम, जिस पर यमराज उसको सारी बात बताते हैं कि एक वक्त ऐसा था जब शैतानों और इंसानों की दुनिया जुड़ा हुआ करती थी। शैतानों की दुनिया में जाने वाले इंसान योकई का शिकार बन जाते और कई बार योकई खुद इंसान की दुनिया में आकर इंसानों का शिकार करता था। फिर एक दिन स्पिरिट वर्ल्ड के लोगों ने इंसानी और शैतानी दुनिया के बीच का रास्ता बंद कर दिया, ताकि दोनों दुनिया अलग हो जाए और शांति बनी रहे। लेकिन वो पूरी तरह से कामयाब नहीं हुए, क्योंकि कई बार उस दुनिया से योकई इस दुनिया में आ जाते थे। जिसके बाद यमराज उरामेशी को उस इंसेक्ट योकई का एक मॉड्यूल दिखाते हैं। उसको बताते हैं कि तुम्हारा काम इंसानों की दुनिया में योकई से जुड़े सभी केसेस को सुलझाना होगा। लेकिन उरामेशी यमराज की बात मानने से साफ मना कर देता है। वो कहता है कि मेरे मरने से सब बहुत खुश हुए होंगे, इसीलिए मैं वापस जिंदा नहीं होना चाहता। वो वहां से चला जाता है।
पॉटन उसके पीछे जाती है जो उसको समझाती है कि यमराज ऐसा मौका हर किसी को नहीं देते। लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं इसका सच हमें मरने के बाद ही पता चलता है, इसलिए मना करने से पहले एक बार देखो कि लोग तुम्हारे बारे में क्या सोचते हैं। अब हम उस कसीनो के मालिक साकियो को देखते हैं जिसका सपना सिंक होल से लोगों को एंटरटेन करने का था। वो अपने कसीनो में आता है जहाँ पर वो अपने एक बहुत ही अमीर क्लाइंट तारो केन से मिलता है। तारो केन को जुआ खेलने का बहुत शौक था और इसी ने साकियो को वो सिंक होल बहुत पहले बेच दिया था। एंड वही उरामेशी के फ्यूनरल पर उस बच्चे को उसका शुक्रिया करते हुए दिखाया जाता है जिसकी जान बचाते हुए उसकी जान गई थी। उसकी माँ और कीको भी वहाँ पर थे। वही बाहर स्कूल के बदमाश बच्चे वापस से किरणों के पैसे छीन रहे थे जिसको वो उरामेशी के फ्यूनरल पर चढ़ाने के लिए लाया था। तभी कुआबरा वहाँ पर आकर उन बदमाश लड़कों को मारता है और फिर ये बोलकर रोने लगता है कि उरामेशी तुम मुझसे मार खाए बिना कैसे मर सकते हो। उरामेशी वहीं खड़ा ये सब होते हुए देखकर मुस्कुरा रहा होता है। शाम को सभी लोग अपने घर चले जाते हैं लेकिन उरामेशी की माँ और कीको उसकी बॉडी के आगे बैठकर रोते रहते हैं। कीको उसकी माँ से कहती है कि ये सब मेरी वजह से हुआ, मैंने उससे कहा था कि तुम भाड़ में जाओ और मर जाओ। उरामेशी की माँ उसको गले लगाकर समझाती है और वो भी बहुत रोती है। वो कहती है कि वो हम दोनों को अकेला छोड़कर चला गया। उरामेशी वहीं खड़ा होकर उन लोगों को रोते हुए देख रहा था। दूसरी ओर हम फिर से उन बदमाश लड़कों को देखते हैं, वो फिर से किरिनो को मार रहे थे। तभी वो कीड़ा जो सिंकहोल से निकल कर आया था वो किरिनो के कान में घुस जाता है। उस कीड़े के घुसते ही किरिनो बहुत ही अजीब तरीके से चिल्लाने लगता है और फिर उन बदमाश बच्चों को मारने लगता है। उन बदमाश बच्चों ने किरिनो से बचने के चक्कर में वहाँ पर एक लाइटर जलावा छोड़ दिया था जिससे वहाँ पर आग लग जाती है और आग देखकर कुआबरा भी वहाँ पर पहुँच जाता है। ये आग उरामेशी के घर तक पहुँच जाती है लेकिन उरामेशी की मॉम और कीको घर के बाहर आ गए थे। मॉम जबरदस्ती घर के अंदर जाकर उरामेशी की डेड बॉडी को बचाना चाहती थी लेकिन गांव वालों ने उसको पकड़ रखा था। तभी कीको वापस जलते हुए घर के अंदर चली जाती है। ये देखकर उरामेशी भी उसके पीछे जाता है और कीको को वहाँ से जाने के लिए कहता है लेकिन वो उसको नहीं सुन सकती है। वो उरामेशी की डेड बॉडी को वहाँ से निकालने के चक्कर में खुद ही बेहोश हो जाती है। तभी ऊपर से छत गिरने लगती है और उरामेशी उसको पकड़ लेता है जिसके बाद वो यमराज से कहता है कि आप जो कहोगे मैं वो करने के लिए तैयार हूँ लेकिन आप मुझको वापस से जिंदा कर दो ताकि मैं कीको को बचा सकूं। जिसके बाद यमराज अपने जादू से उरामेशी को जिंदा कर देते हैं। उरामेशी जिंदा होते कीको को उठाकर वहाँ से बाहर ले जाता है। उसकी माँ उसको जिंदा देखकर बहुत हैरान हो जाती है। वो कीको को अपनी माँ के पास छोड़कर वहाँ से चला जाता है। तभी उसको यमराज की आवाज सुनाई देती है। वो कहते हैं कि एक योकई मॉन्स्टर ने एक बच्चे को अपने वश में कर रखा है, तुम्हें उसको रोकना होगा। उरामेशी जब वहाँ पर पहुँचता है तो वो देखता है कि वो बच्चा किरिनो है। कुआबरा और उसके दोस्त उसको रोकने के चक्कर में उससे मार खा रहे थे। किरिनो उन लोगों को बहुत ही बेरहमी से मार रहा था। तभी वहाँ पर उरामेशी आ जाता है और किरिनो से लड़ने लगता है लेकिन उसके अंदर का योकई मॉन्स्टर उसको भी मारता है। तभी यमराज उससे कहते हैं कि तुम्हें उसके रोकने के लिए अपने स्पिरिट एनर्जी का इस्तेमाल करना होगा, नहीं तो वो भी एक योकई मॉन्स्टर में बदल जाएगा। लेकिन उसे स्पिरिट एनर्जी का इस्तेमाल करना नहीं आता था। इस बीच किरिनो और भी ज्यादा ताकतवर बनता जा रहा था। उन दोनों के बीच में खूब लड़ाई होती है पर उरामेशी उसको पकड़कर गुस्से में अपनी पूरी ताकत से मारता है जिससे उसकी स्पिरिट एनर्जी एक्टिवेट हो जाती है और किरिनो को मार पड़ते ही उसके अंदर से वो योकई मॉन्स्टर जो पहले कीड़ा था वो बड़ा होकर निकलता है जिसको उरामेशी दबाकर फोड़ देता है। इसके बाद वो किरिनो को उठाकर वहाँ से लेकर जाने लगता है। कुआबरा उसको जिंदा देखकर हैरान हो जाता है। किरिनो को अस्पताल पहुँचाकर उरामेशी अपनी मॉम से मिलने के लिए पहुँच जाता है जहाँ उसकी मॉम और कीको उसको देखते ही गले लगा लेती है। अब हम एक जैसे देखने वाले कुछ योकई मॉन्स्टर्स को देखते हैं जो कि कुछ इंसानों को मारकर उनसे एक मिरर, एक खंजर और एक गोले को छीन लेते हैं। लेकिन तभी वहाँ पर गोकी कुरामा और ही नाम के तीन थोड़े बहुत इंसानों की तरह दिखने वाले योकई मॉन्स्टर उन मॉन्स्टर पर हमला करके उनसे वो खंजर, गोला और मिरर ले लेते हैं। नेक्स्ट डे दिखाया जाता है जहाँ कुछ बच्चे पार्क में खेल रहे थे। तभी एकदम से वो सारे बच्चे बेहोश हो जाते हैं और उनकी आत्मा निकलकर उस गोले में चली जाती है। ये सब गोकी नाम के एक योकई मॉन्स्टर ने उस गोले के जरिए किया था। उधर हम उरामेशी को देखते हैं। वो यमराज के पास स्पिरिट एनर्जी का सही से इस्तेमाल करना सीख रहा था लेकिन वो सही से उसको इस्तेमाल नहीं कर पा रहा था। तभी यमराज उसको वो तीन हथियार दिखाते हैं जिसे उन तीन योकई मॉन्स्टर ने इंसानों से चुराया था। वो उसे कहते हैं कि ये खतरनाक हथियार तीन योकई मॉन्स्टर्स के पास है, अगर उनसे वो हथियार नहीं छीना तो इंसानों की दुनिया तबाह हो जाएगी। तभी बॉटन यमराज को उसके टीवी पर देखने को कहती है। वो लोग देखते हैं कि शहर के बहुत से बच्चे बेहोश होकर गिर चुके हैं।
जिसके बाद उरामिशी उन बच्चों को देखने के लिए अस्पताल पहुंच जाता है जहां बहुत सारे बच्चे कोमा में जा चुके थे। पॉटन उनसे कहती है कि किसी ने भूखे गोले का इस्तेमाल करके इन बच्चों की आत्मा पकड़ ली है। उसे बच्चों की आत्मा खाने में बहुत मजा आता है। गो की उन बच्चों की आत्मा को खाए इससे पहले हमको वो गोला वापस लेना होगा। इधर हम कुआबरा और उसके दोस्त को देखते हैं, जिन्हें पिछली रात किरणों से मार खाने के बाद बहुत चोट लग गई थी, इसलिए वो सारे अस्पताल में भर्ती थे। कुआबरा इन सब के लिए खुद को जिम्मेदार मानता है, इसीलिए वो अपने दोस्तों से माफी मांगता है। जिसके बाद उरामिशी अस्पताल से जा रहा था, तभी कुआबरा उसके पास आता है और उससे पूछता है कि तुम जिंदा कैसे हो गए और किरणों को क्या हुआ था। उरामिशी बताता है कि उस दिन उसके शरीर को योकई ने अपने वश में कर लिया था, फिर मैंने अपनी स्पिरिट एनर्जी से उसको मार दिया। तभी बॉटन उसको चुप होकर वहाँ से निकलने को कहती है, लेकिन उसके वहाँ से जाने के बाद कुआबरा कहता है कि लगता है उरामिशी पागल हो गया है और मुझको तो वो लड़की भी पागल ही लगती है। तभी उसके फ्रेंड्स पूछते हैं कि कौन सी लड़की भाई, वो तो अकेला था, कहीं आप पागल तो नहीं हो गए। अब उरामिशी खाने के लिए अपने दोस्त कीको के रेस्टोरेंट की तरफ जाने लगता है। तभी ग्राउंड में खेल रहे बच्चे बेहोश होने लगते हैं। उरामिशी भागते हुए वहाँ पर जाता है तो वहाँ से गोकी को जाते हुए देख लेता है। उरामिशी उसको रोकने के लिए उसके पीछे जाने लगता है, लेकिन तभी गोकी अपने असली रूप में आकर उरामिशी पर हमला कर देता है। इस बीच गोकी की नजर कुरामा पर पड़ती है जो दूर खड़ा उसको मार खाते हुए देख रहा था। गोकी उरामिशी के ऊपर बहुत हमले करता है, लेकिन वो हर बार उससे किसी न किसी तरीके से बच रहा था। फिर उरामिशी छुप कर गोकी पर हमला करता है, लेकिन गोकी उसे गर्दन से पकड़ लेता है। तभी वहाँ पर वो बच्चा आता है जिसकी जान बचाने के चक्कर में उरामिशी मारा गया था। वो गोकी से कहता है कि मेरे भैया को छोड़ दो। उसको देखकर गोकी कहता है कि ये बच्चा तो बहुत स्वादिष्ट लगता है। वो उरामिशी को छोड़कर गोले से उस बच्चे की आत्मा पकड़कर उसको खाने लगता है, लेकिन तभी उरामिशी उसके ऊपर चढ़कर अपने मन से स्पिरिट एनर्जी का इस्तेमाल करने की कोशिश करता है, जिससे कि एक जोरदार धमाका होता है और गोकी नीचे गिर जाता है। उसके मरते ही उस गोले से सभी बच्चों की आत्मा निकलकर उनके शरीर में चली जाती है। वो बच्चा भी ठीक हो जाता है। अब हम तारू केन को देखते हैं। उसने एक योकई मॉन्स्टर को कैद करके रखा हुआ था, जिसके रोने पर उसकी आंखों से सुनहरे मोती निकलते थे, इसीलिए तारू केन अपने सिगरेट से उसका हाथ चला देता है। वो रोती है तो उसके आंखों से मोती निकलता है, जिसको लेकर वो वहां से चला जाता है। दूसरी ओर उरामिशी बोतन को बता रहा होता है कि कुरामा मुझे गोकी से लड़ते हुए देख रहा था, लेकिन उसने गोकी की मदद नहीं की। पॉटन उसको बताती है कि वो दिखता इंसानों की तरह है, लेकिन वो एक योकई है। मिरर ऑफ डार्कनेस उसी के पास है, जिससे वो जो चाहे वो उससे मांग सकता है, लेकिन वो अपनी इच्छा सिर्फ पूर्णिमा की रात को ही पूरी कर सकता है। इसलिए हमें पूर्णिमा से पहले वो मिरर उससे छीनना होगा, नहीं तो वो उससे कोई भी बुरी शक्ति मांग सकता है। इसी बीच हम देखते हैं कि कुआबरा भी छुप छुप कर इन दोनों की बातें सुन रहा था। तभी एकदम से बॉटन वहाँ से गायब हो जाती है। अब हम ही नाम के एक योकई मॉन्स्टर को देखते हैं, जो एक तलवारबाज था। ही ने जो खंजर उस मॉन्स्टर से छीना था, वो उससे अपने सर में छेद कर लेता है। इधर उरामिशी की नजर कुरामा पर पड़ती है, वो उसके पीछे चला जाता है। उरामिशी उसके पीछे पीछे अस्पताल पहुंच जाता है, लेकिन तभी कुरामा वहां से गायब होकर उरामिशी के पीछे अपीयर होता है। वो उससे कहता है कि जब मेरा काम हो जाएगा तब मैं तुमको मिरर ऑफ डार्कनेस वापस लौटा दूंगा। तभी सामने से एक औरत कुरामा से कहती है कि तुम आ गए बेटा। वो औरत उरामिशी को उसका दोस्त समझती है। वो उससे माफी मांगते हुए कहता है कि मुझको पता है ये मेरी वजह से तुम लोगों के साथ घूमने नहीं जाता। जिसके बाद कुरामा उरामिशी को अपने साथ लेकर जाता है। उसको बताता है कि 17 साल पहले एक शिकारी योकई ने मुझ पर हमला किया था। उससे बचने के लिए मैं अपनी माँ के पेट में पल रहे बच्चे में समा गया। उन्होंने मुझको अपने बच्चे की तरह पाला। मैं चाहता तो भाग सकता था, लेकिन अब वो मेरी माँ है और मैं उसका बच्चा। कुरामा बताता है कि मेरी माँ के पास बस एक महीने का वक्त बचा है, इसलिए मैं बस इस मिरर की मदद से अपनी माँ को बचाना चाहता हूँ। उसके बाद मैं मिरर ऑफ डार्कनेस को तुमको वापस लौटा दूंगा। इसी बीच हम झाड़ियों में कुआबरा को देखते हैं, जो छुपकर उनकी बातें सुन रहा था। वहीं यमराज और बॉटन भी सब देख रहे थे। ये सुनकर बॉटन के तो आंसू निकल जाते हैं। अब उरामिशी रमन खाने के लिए कीको के रेस्टोरेंट में चला जाता है, लेकिन वो अभी भी कुरामा के बारे में ही सोच रहा था। तभी वो कीको से पूछता है कि क्या कोई बुरा इंसान अच्छा भी हो सकता है, जिस पर वो कहती है कि आप खुद को ही देख लो। जो लोग तुमको नहीं जानते वो तुम्हें गलत समझते हैं। कोई तुम्हें बदमाश समझता है तो कोई गली का गुंडा। मैं गधा समझती हूँ, लेकिन तुम एक अच्छे इंसान हो। उरामिशी अपने रमन की फर्स्ट बाइट ले रहा होता है कि तभी बॉटन वहाँ पर आकर उससे कहती है कि जल्दी चलो, एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। वो उसके पास जाता है तो वो उसको बताती है कि मिरर ऑफ डार्कनेस इच्छा तो पूरी करता है, लेकिन इसके बदले वो इच्छा मांगने वाले की जान भी छीन लेता है। आज पूर्णिमा की रात है,
इसीलिए उरामेशी वहां से जाने लगता है। लेकिन तभी वहां पर कुआबरा आ जाता है और उससे कहता है कि तुम उसको नहीं बचा पाओगे क्योंकि योकई वो शैतान है जो पूरा का पूरा शहर तबाह कर सकते हैं। लेकिन उरामेशी कुआबरा को धक्का देकर वहां से भाग जाता है। इधर कुरामा की मां की हालत खराब होने लगती है, इसीलिए वो मिरर ऑफ डार्कनेस के अंदर अपना हाथ डालकर उससे अपनी मां की जिंदगी मांगता है, जिससे कि वो उस मिरर के अंदर चला जाता है जिससे वहां पर एक पोर्टल ओपन होता है। लेकिन तभी उरामेशी भी उस पोर्टल में चला जाता है। उसे वहां देखकर कुरामा उससे कहता है कि तुम यहां पर क्या कर रहे हो, चले जाओ यहां से, मुझको अपनी मां की जान बचाने दो। जिस पर उरामेशी कहता है कि तुम तो चले जाओगे लेकिन इसके बाद जो तुम्हारी मां के दिल पर बीतेगा तुम उसको देखकर बहुत पछताओगे। उरामेशी कहता है कि मिरर ऑफ डार्कनेस, मैं तुमको अपनी आधी जिंदगी देता हूँ। जिसके बाद वो दोनों वापस से अपनी दुनिया में आकर गिरते हैं। कुआबरा भी वहां पर आ चुका था। वो उरामेशी को उठाकर कहता है कि उठ जा साले, तू नहीं मर सकता, मैंने तो तुमको अभी तक हराया भी नहीं। तभी वो होश में आ जाता है। कुरामा की माँ भी ठीक हो जाती है क्योंकि उरामेशी ने मिरर ऑफ डार्कनेस को अपनी आधी जिंदगी देकर कुरामा की माँ को ठीक कर दिया था। अब हम ही को देखते हैं जिसने उस खंजर से अपने सर में होल करने के बाद उसने अपनी तीसरी आंख को ओपन कर लिया था, जो एक सुनहरे मोती को देखकर किसी को ढूंढने की कोशिश करने लगता है। तभी उसे एक कार दिखाई देती है और वो अपनी तलवार लेकर वहां से निकल जाता है। उस कार के वो बीच में से दो टुकड़े कर देता है, जिसके बाद वो उस कार से एक सुनहरे मोती को चुरा लेता है। दरअसल ये उसी लड़की के आंसू थे जिसे तारुकेन ने अपने पास कैद कर रखा था और ही को उस लड़की की तलाश बहुत समय से थी क्योंकि वो उसी की बहन थी। मोती की चोरी की खबर जब तारुकेन तक पहुंचती है तो वो साक्य को फोन करके बताता है कि तुम्हारे शैतानी द्वार खोलने की वजह से मेरा बहुत नुकसान हुआ है, आज किसी योकई ने मेरा चमत्कारी मोती चुरा लिया है। जिस पर साक्यो कहता है कि आप कोनिमा को लेकर मेरे घर आ जाए, मैं आपको उसके ढेर सारे आंसू निकलवा कर दूंगा। तभी वो अपने एक आदमी टोगुरो को बुलाकर उससे कहता है कि तुम्हारे लिए एक जरूरी काम है। टोगुरो जब सामने आता है तो हम देखते हैं कि वो भी एक योकई मॉन्स्टर था जो बहुत बड़ा था और उसके कंधे पर बैठा हुआ मॉन्स्टर उसका बड़ा भाई सुस्टुई था, वो भी एक मॉन्स्टर था। अब हम देखते हैं उरामेशी उस जादुई खंजर को हासिल करने के लिए तारुकेन की हवेली में घुसने की कोशिश कर रहा था क्योंकि यमराज ने उसको बताया था कि ही अपनी बहन की तलाश में वहां पर जरूर जाएगा। यमराज तारुकेन को ही से बचकर रहने को भी कहते हैं क्योंकि वो खंजर जिसके भी पास होता है वो बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली बन जाता है। तभी वहां पर फायरिंग शुरू हो जाती है लेकिन ही गोलियों से भी तेज था। तभी उरामेशी उसके पास जाकर उससे जादुई खंजर लेने के लिए उस पर हमला कर देता है लेकिन ही उसको बहुत मारता है। उरामेशी अपनी स्पिरिट एनर्जी का इस्तेमाल करना चाहता था लेकिन वो नहीं कर पाता क्योंकि उसने अभी तक उसका सही से इस्तेमाल करना नहीं सीखा था। ही उरामेशी से कहता है कि मैं तुमको नहीं मारना चाहता, फिर वो वहां से चला जाता है। वहीं पर हम तारुकेन के हेलीकॉप्टर को देखते हैं। वो कोनिमा को एक पिंजरे में बंद करके साक्यो के आइलैंड पर ले जाता है। साक्यो तारुकेन को अपने आइलैंड पर मौजूद एक खास तरह के क्लब में ले जाता है जहाँ पर वो दो योकोई को लड़वाता था और तारुकेन जैसे अमीर लोग उस पर पैसे लगाते थे। वो तारुकेन के सामने एक नमूना पेश करता है जहाँ पर वो एक योकोई मॉन्स्टर और टोगुरो को आमने सामने छोड़ देता है। टोगुरो अपने बॉडी को इंक्रीज करता है और फिर एक ही पंच में उस योकोई मॉन्स्टर के चिथड़े उड़ा देता है। टोगुरो को देखने के बाद तारुकेन उसे अपना बॉडीगार्ड बना लेता है। इसके बाद वो कोनिमा को देखने के लिए उसके सेल में जाता है लेकिन वो वहाँ से भाग चुकी थी। तभी हम देखते हैं कि तारुकेन का एक आदमी कोनिमा को लेकर वहाँ से भाग रहा था क्योंकि कोनिमा की शक्ल उसकी बहन से मिलती थी, इसीलिए वो उसको उन लोगों से आजाद करना चाहता था। तभी टोगुरो का छोटा भाई सुत्सुई उनके सामने आ जाता है। वो आदमी सुत्सुई के ऊपर गोली चला देता है लेकिन उसका सर फटकर खुद ब खुद जुड़ जाता है, जिसके बाद वो उस आदमी को मार देता है। उसे मरता हुआ देखकर कोनिमा रोने लगती है और उसके रोने की वजह से तारुकेन को ढेर सारे मोती मिल जाते हैं। तारुकेन साक्यो से कहता है कि जिस योकई ने मेरे घर पर हमला किया था तुम उसको भी ठिकाने लगा दो, जिस पर वो कहता है कि आप परेशान मत हो, मेरे आदमी सब देख लेंगे। साक्यो ये सब इसलिए कर रहा था क्योंकि जिस सिंक होल से वो योकई को बाहर निकाल रहा था वो सिंक होल तारुकेन की जगह पर ही था। उधर उरामेशी ही से हारने के बाद बहुत परेशान दिख रहा था। तभी बॉर्डन उससे कहती है कि तुम हार गए क्योंकि तुम अपने स्पिरिट एनर्जी का सही से इस्तेमाल नहीं कर पाए, इसीलिए यमराज ने तुमको ट्रेनिंग देने के लिए एक मशहूर फाइटर मास्टर जिनकाई के पास जाने को कहा है। वो स्पिरिट वेव का इस्तेमाल करके तुम्हारे शरीर के स्पिरिट एनर्जी को जगाएगा। तभी दूर खड़ा कुआबरा चिल्लाकर बॉर्डन से कहता है कि वो ट्रेनिंग पर अकेला नहीं जाएगा, मैं भी उसके साथ जाऊंगा। जिसके बाद वो दोनों मास्टर जेनकाई के पास पहुंच जाते हैं लेकिन मास्टर कुआबरा को वहां देखकर उससे पूछती है कि तुम यहां पर क्यों आए हो।
जिस पर वो कहता है कि मैं भी आपसे ट्रेनिंग लेकर पीछे खड़े मेरे दुश्मन को हराना चाहता हूँ। जिस पर उरामिशी कहता है, लेकिन मैं तो तुम्हें अपना दुश्मन नहीं मानता हूँ। दोनों के बीच बहस होने लगती है, जिससे कि गुरुमा को गुस्सा आ जाता है। गुरुमा जब गुस्से में चिल्लाती है तो वो दोनों नीचे गिर जाते हैं। अब उन दोनों की ट्रेनिंग शुरू हो जाती है। गुरुमा उरामिशी को अपने ऊपर हमला करने को कहती है। वो उन पर हमला करता है, लेकिन गुरुमा बिना हाथ लगाए उसको खूब मारती है। फिर उसको 12 घंटे तक अपनी एक उंगली पर खड़े रहने को कहती है, लेकिन वो एक मिनट भी खड़ा नहीं रह पाता। गुरुमा उससे कहती है कि 5 मिनट के बाद दोबारा कोशिश करना। उरामिशी कहता है कि मैं नहीं करूंगा, ये मेरे किस काम आएगी। लेकिन गुरुमा उसको बिना जवाब दिए वहां से चली जाती है। इधर गुरुमा ने कुआवरा को लकड़ी से पत्थर तोड़ने का काम दिया था। कुआवरा में बहुत जज्बा था। उसका जुनून देखकर गुरुमा उरामिशी से कहती है कि अगर तुमने ध्यान नहीं दिया तो ये तुमसे आगे निकल जाएगा। दूसरी ओर हम कुरामा को देखते हैं। उसने अपने मिरर ऑफ डार्कनेस उरामिशी को दे दिया था और अब वो ही के पास उससे उसका खंजर मांगने के लिए आया था। वो उसे कहता है कि अगर तुम मुझको एक खंजर दे दोगे तो मैं तुम्हारी बहन को ढूंढने में तुम्हारी मदद करूंगा। लेकिन ही कहता है कि मुझे किसी की जरूरत नहीं है। अब हम उस सिंघोल को देखते हैं। उसके अंदर साकियों ने एक मशीन लगा रखी होती है, जिसके जरिए वो शैतानी दुनिया में एक छोटा सा सिंकहोल खोलकर इंसानी दुनिया में युकई को ला रहा था। लेकिन वो चाहता था कि वो उस होल को और बड़ा कर सके। इसीलिए उस जगह का चीफ इंजीनियर उससे कहता है कि होल को बड़ा करने के लिए हमें बड़ी मशीन और ढेर सारे पैसों की जरूरत पड़ेगी। जिस पर वो कहता है कि तुम काम को जारी रखो, मैं पैसे का इंतजाम कर दूंगा। वहीं अब हम उरामिशी को देखते हैं, जो 14 दिनों से सिर्फ अपनी उंगली पर खड़े होने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो 5 मिनट से ज्यादा अपनी उंगली पर खड़ा नहीं हो पा रहा था। इसलिए गुरुमा उससे ये काम छोड़ देने को कहती है, जिसके बाद उरामिशी बाहर जाता है, जहाँ पर वो देखता है कि कुआबरा अभी भी लकड़ी से पत्थर तोड़ने के चक्कर में लगा हुआ है। कुआबरा में बहुत जुनून था। उसने पत्थर तोड़ने के चक्कर में बहुत सारी लकड़ियां तोड़ दी थी, लेकिन अभी भी वो उस पत्थर को नहीं तोड़ पाया था। वो ये सब इसलिए कर रहा था ताकि वो उरामिशी को हरा सके। तभी कुआबरा को याद आता है कि कैसे उसके सामने उरामिशी और बाकियों ने उसके दोस्तों को मारा था। उरामिशी और केरिनी की मार याद कर कुआबरा को बहुत गुस्सा आ जाता है और इस बार जब वो पत्थर को मारता है तो पत्थर के बीच से 2 टुकड़े हो जाते हैं, क्योंकि उसने अपने हिम्मत और लगन से स्पिरिट ऑफ सोर्ड को हासिल कर लिया था। ये देखकर उरामिशी भी वापस ट्रेनिंग करने चला जाता है। अब हमको अगले दिन का सीन दिखाया जाता है। गुरुमा वहाँ पर आती है तो बॉटन उसको बताती है कि कल रात से ये उंगली पर खड़ा है। गुरुमा उसको अपने साथ बाहर लेकर जाती है और उसको बताती है कि मैं बिना वजह तुम्हें एक उंगली पर ट्रेनिंग देना नहीं सिखा रही थी। तुम अपनी उंगली पर सारी एनर्जी को महसूस करो। उरामिशी के हाथ से बहुत सारे स्पिरिट एनर्जी निकलने लगती है और वहाँ पर तूफान आने लगता है। फिर जब उरामिशी अपने हाथ से स्पिरिट एनर्जी को जोड़ता है तो उसकी रोशनी दूर खड़ा टोगुरु भी देखता है। ये देखकर टोगुरु बहुत खुश होता है, क्योंकि उसे कई सालों से एक ऐसे इंसान की जरूरत थी जिससे लड़ने के लिए वो अपनी पावर का 100% इस्तेमाल कर सके। इधर गुरुमा को किसी के आने का एहसास होता है। उरामिशी से जाकर कहती है कि एक दिन हम सबको मरना है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि मेरे मरने के बाद तुम मेरी शक्तियों का ख्याल रखो। जिसके बाद वो अपने अंदर से स्पिरिट वेव ऑर्ब निकाल कर उरामिशी को दे देती है और उससे उसका ख्याल रखने को कहती है। अब उरामिशी और कुआबरा वहाँ से चले जाते हैं। उनके जाने के बाद टोगुरु गुरुमा के पास आता है। वो उसे कहता है कि तुमने स्पिरिट वेव ऑर्ब किसी और को देखकर बहुत बड़ी गलती की। अब मैं तुम्हारे बूढ़े चेहरे को और नहीं देखना चाहता। जिस पर वो कहती है कि मैं भी तुम्हारे जैसे इंसान को नहीं देखना चाहती जिसने अपनी आत्मा किसी शैतान को बेचती हो। टोगुरु गुरुमा को मार देता है। वहीं दूसरी ओर कीको उरामिशी से पूछती है कि तुम इतने दिनों से कहाँ गायब थे। जिस पर वो बताता है कि मैं कुआबरा के साथ घूमने गया था। वो खाना खाकर जाने लगता है, तभी वो देखता है कि ही कीको को किडनैप करके ले जा रहा है। उरामिशी उसके पीछे जाता है। वहीं बॉटन कुआबरा को जाकर बताती है कि कीको को कोई उठाकर ले गया है। इधर उरामिशी ही के ठिकाने पर पहुंचकर उसको मारने लगता है और उसे पूछता है कि कीको कहाँ है। उन दोनों की लड़ाई हो रही थी, तभी वहाँ पर कुआबरा आता है जो उन लोगों से लड़ने से रोकता है। वो उरामिशी को बताता है कि तुम्हारी दोस्त को ले जाने वाला ये नहीं था। फिर वो ही को बताता है कि मैंने तुम्हारी बहन को ढूंढ लिया है। इधर हम एक दूसरे ही को देखते हैं जो कीको को लेकर अपने शिप पर पहुंच जाता है और वो जब अपने असली रूप में आता है तो हमको पता चलता है कि वो तो असल में सुत्सुई है। वो लोग कीको को ले जाकर कोयलमा के साथ बंद कर देते हैं। दूसरी ओर कुरामा उन लोगों को बताता है कि उन लोगों ने कोयलमा को एक आइलैंड पर रखा हुआ है और मुझको लगता है कि कीको को भी वो लोग वहीं पर ले गए हैं। जिसके बाद उरामिशी
हीको गलत समझने के लिए उससे माफी मांगता है। तभी कुआबरा भी वहाँ पर आ जाता है और वो चारों मिलकर उनको बचाने के लिए निकल जाते हैं। लेकिन पोर्ट पर पहुँचते ही उन्हें एक आदमी मिलता है जो उनसे कहता है कि मेरे बॉस साकियो ने आपको अपने आइलैंड पर बुलाया है। वो चारों साकियो के आइलैंड पर पहुँच चुके हैं। तभी ही कहता है कि यहाँ से हमारे रास्ते अलग होते हैं, मैं उन लोगों से अकेले निपटूंगा। जिसके बाद वो तीनों एक साथ आगे बढ़ते हैं। तभी करासू नाम का एक योकई उन लोगों के ऊपर हमला कर देता है। कुरामा उरामेशी से कहता है कि तुम दोनों आगे बढ़ो, इसको मैं देखता हूँ। कुआबरा कहता है कि कुरामा तुम बस मरना मत। ये कहकर वो वहाँ से उरामेशी के साथ चला जाता है। उसके जाने के बाद कुरामा उस मॉन्स्टर से लड़ने लगता है। इधर ही भी अपनी बहन की तलाश में एक जगह पर पहुंच गया था, लेकिन तभी उसको रोकने के लिए बुई नाम का एक योकई मॉन्स्टर आ जाता है जो ही के ऊपर हमला कर देता है। उन दोनों के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है। वहीं हम देखते हैं कि टारुकेन और वहां बैठे बहुत सारे बड़े बड़े बिजनेसमैन उन लोगों को लड़ते हुए देख रहे थे और उन पर पैसे लगा रहे थे। ये सब कराने वाला साकियो ही था। उसने उरामेशी और उसके दोस्तों को इसलिए वहाँ पर बुलाया था ताकि वो कीको और कोइनमा को छुड़ाने के लिए वहाँ आए और वो उन्हें यो कैसे लड़वाकर पैसे कमा सके। इधर कीको कोइनमा के साथ ही बंद थी। कोइनमा कीको को बताती है कि उसको एक योकई ने किडनैप किया है। वो उस योकई के बारे में भी बताती है, लेकिन कीको को उसकी बात समझ नहीं आती। तभी कोइनमा उससे हाथ मांगती है। कीको जब उसको अपना हाथ देती है तो कोइनमा उसके हाथ को अपने योकई के जादू से ठीक कर देती है। दूसरी ओर कुरामा उस करासू मॉन्स्टर के हाथ में एक गुलाब का फूल भोंक देता है, जिसके बाद करासू उसको खूब मारता है। कुरामा उससे इतनी मार खाता है कि वो अपने असली योकई मॉन्स्टर के रूप में आ जाता है। उसके पास से कुछ ऐसे रूट्स निकलते हैं जो कि किसी आदमखोर पेड़ की तरह थे। वो रूट्स उस करासू मॉन्स्टर के ऊपर हमला कर देते हैं। उसके रूट्स करासू मॉन्स्टर की हालत बहुत खराब कर देते हैं और फिर उसको पकड़ लेते हैं। लेकिन तभी एकदम से कुरामा कमजोर पड़ने लगता है और करासू खुद को आजाद करके कुरामा को बहुत मारता है। वो उसको इतना मारता है कि वो अपने इंसानी रूप में आ जाता है। इधर ही बुई से लड़ रहा होता है। वो अपनी छोटी तलवार से बुई को खूब मारता है, जिसके बाद बुई अपना आर्मर उतारकर उससे लड़ने लगता है। वहीं दूसरी ओर साकियो और तारुकेन बैठकर उन लोगों को लड़ते हुए देख रहे थे और मजे ले रहे थे। तभी कीको पेट दर्द होने का नाटक करने लगती है। उसको रोता देख साकियो का एक आदमी उसके सेल में आता है, लेकिन कीको उसको पकड़कर अपने रेसलिंग मूव से उसका गला दबा देती है। वो मर जाता है और वो कोइनमा को भी छुड़ा लेती है। फिर उसको लेकर वो वहाँ से भाग जाती है। वो दोनों सभी गार्ड से छुपकर आगे बढ़ रहे थे। कीको को लगता है कि सामने से कोई गार्ड आ रहा है, इसलिए वो पंच मारकर उसके अखरोट फोड़ देती है, लेकिन वो कुआबरा था। कुआबरा दर्द से चिल्लाने लगता है। कुआबरा कहता है कि मेरा दहेज तो गया, लेकिन जब वो कोइनमा को देखता है तो वो बस उसको देखता ही रहता है। जब उसको पता चलता है कि वो ही की बहन है तो वो उससे कहता है कि अब तुमको डरने की कोई जरूरत नहीं है, मैं तुमको बचाने आ गया हूँ। इधर बुई मॉन्स्टर अपना आर्मर उतारने के बाद ही को बहुत मारता है, जिसके बाद वो अपने हाथ पर लगे बैंडेजेस को निकाल देता है, जिससे उसके पास ब्लैक फॉक्स योकई मॉन्स्टर की शक्ति आ जाती है और वो अपने उन शक्तियों से बुई मॉन्स्टर को जान से मार देता है। लेकिन ब्लैक फॉक्स की शक्तियों का इस्तेमाल करने के बाद ही के हाथ ने काम करना बंद कर दिया था। वही करासू ने कुरामा को मारकर अधमरा कर दिया था, लेकिन तभी वो एकदम से हंसने लगता है और फिर उससे कहता है कि क्या तुमने सीड ऑफ डेथ प्लांट के बारे में कभी सुना है? ये वो शैतानी पौधा है जो मेरी हर बात मानता है, जिसे मैंने अपने गुलाब के जरिए तुम्हारे अंदर डाल दिया था। तभी कुरामा उस पौधे से कहता है कि बाहर आ जाओ, जिसके बाद वो पौधा करासू के शरीर को फाड़कर बाहर आ जाता है और वो भी मारा जाता है। करासू और बुई के मरने के बाद क्लब में बैठे सभी बिजनेसमैन बहुत दुखी होते हैं, क्योंकि उन्होंने करासू और बुई पर पैसे लगाए थे। दूसरी ओर कुआबरा जब उन दोनों को लेकर वहाँ से जा रहा होता है, तभी सुत्सुई उनके सामने आ जाता है। कुआबरा को लगता है कि ये छोटा आदमी उसका क्या ही कर लेगा। वो उसको एक रॉड से मार देता है, लेकिन इससे कुछ नहीं होता। सुत्सुई बहुत ताकतवर होता है। कुआबरा बहुत बुरी तरह मार खा चुका था, लेकिन तभी उसको याद आता है कि कैसे उरामेशी और बहुत से लोगों ने उसे और उसके दोस्तों को मारा था, और ये याद करते ही उसके पास स्पिरिट ऑफ स्वॉर्ड आ जाती है, जिसके बारे में वो भूल गया था। कुआबरा अपने स्वॉर्ड से सुत्सुई के टुकड़े कर देता है और उसको मारकर कुआबरा बहुत खुश होता है। लेकिन तभी उसके अंदर से एक टेंटिकल निकलकर कुआबरा के अंदर घुस जाता है और फिर सुत्सुई वापस से जिंदा हो जाता है। इधर उरामेशी भी एक जगह पर पहुंच गया था, जहां पर उसको साकियो की आवाज सुनाई देती है। वो उससे पूछता है कि कीको कहां पर है, जिस पर साकियो उसे कहता है कि अगर तुम्हें कीको चाहिए तो तुम्हें किसी से लड़ना होगा। अगर तुमने उसको हरा दिया तो मैं कीको को छोड़ दूंगा।
तभी टोगुरु उनके सामने आता है। वो उरामिशी को देखकर उससे कहता है कि बुढ़िया ने जो शक्ति दी है उसका इस्तेमाल करो, जिसके बाद वो अपने शरीर को 10% इंक्रीज करता है। वहीं दूसरी ओर साकियो सभी से कहता है कि इस बार आप जितनी रकम लगाओगे आपको उसका 3 गुना मिलेगा, इसलिए सभी लोग भर भर के पैसा टोगुरु पर लगा देते हैं। तारुकेन टोगुरु पर 20 मिलियन लगाता है। इसी बीच साकियो का एक आदमी आकर उसको बताता है कि सिंकहोल का होल बड़ा हो गया है। तभी हम देखते हैं कि उस सिंकहोल से बहुत सारे योकई मॉन्स्टर निकलने लगे हैं। यमराज को जब इस बात का पता चलता है तो वो अपने जादू से उस सिंकहोल के आगे एक प्रोटेक्शन शील्ड बना देते हैं, जिससे कि सारे योकई मॉन्स्टर उसी के अंदर कैद हो जाते हैं। लेकिन वो शील्ड ज्यादा देर तक नहीं टिक सकती। उन्हें समझ नहीं आता कि आखिर उसको किसने खोला है, क्योंकि वो लोग तो साकियो के पास बस कीको और कुइनमा को छुड़ाने के लिए गए थे, जबकि उनके असली प्लान से वो लोग अनजान थे। वहीं टोगुरु उरामिशी को खूब मारता है। फिर टोगुरु का पंच पड़ते ही कैसीनो में लगा टावर वहां बैठे ऑडियंस की सीट पर जाकर गिरता है, जिसमें टारुकेन की जान बाल बाल बचती है, जिसके बाद वहां से भाग जाता है। तभी यमराज साकियो के पास पहुंच जाता है। साकियो यमराज को जानता था। यमराज उसे पूछते हैं कि तुम ये सब क्यों कर रहे हो, जिस पर वो कहता है कि मुझको जुआ खेलने का शौक है और मैं इंसानों और शैतानों की दुनिया को एक करके उसके परिणाम देखना चाहता हूँ। यमराज उसको ये सब बंद करने के लिए कहती है। वो कहता है कि तुम्हारे पास एक ही तरीका है, क्यों ना हम एक शर्त लगाएं? अगर टोगुरु जीता तो तुम उस शील को खोल दोगे, लेकिन अगर लड़के जीते तो मैं खुद उस होल को बंद कर दूंगा और हार भी मान लूंगा। इधर टोगुरु ने उरामिशी को मार मार कर उसको अधमरा कर दिया था, लेकिन तभी ही और कुरामा भी वहां पर पहुंच जाते हैं। टोगुरु उन सभी का एक साथ सामना करता है, लेकिन वो तीनों मिलकर भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाते। वो सबको मार मार कर अधमरा कर देता है, जिसके बाद उरामिशी अपने हाथ से स्पिरिट एनर्जी निकालकर टोगुरु को दीवार पर पटक देता है। तभी कुआवरा भी उन दोनों के साथ भागते भागते वहां पहुंच जाता है। सुत्सुई भी उनके पीछे आता है, जो वहां का माहौल देखकर बहुत खुश होता है। अब सुत्सुई उन्हें एक कहानी बताता है। वो बताता है कि टोगुरु और गेको यानी कि गुरुमा एक ही स्कूल से ट्रेनिंग ले रहे थे। टोगुरु गेको से बहुत प्यार करता था, लेकिन ज्यादा शक्ति पाने के चक्कर में टोगुरु ने शैतान से सौदा कर लिया, जिससे कि उसकी उम्र वही रुक गई। लेकिन गीको उससे नफरत करने लगी। जब गीको ने अपनी एनर्जी उरामिशी को दी तो टोगुरु ने उसको मार दिया। गुरुमा की मौत की खबर सुनकर कुआबरा और उरामिशी को बहुत गुस्सा आता है। सुत्सुई गुरुमा की मौत का बहुत मजाक उड़ा रहा था, लेकिन तभी टोगुरु उसको पकड़कर एक पंच मारता है, जिससे वो छत तोड़कर बहुत दूर चला जाता है। टोगुरु ने ऐसा इसलिए किया था क्योंकि उसने उसके प्यार का मजाक बनाया था। तभी कुआबरा गुस्से में अपनी तलवार से टोगुरु पर हमला करता है, लेकिन टोगुरु उसको बहुत मारता है। तभी उरामिशी उठता है और गुरुमा के दिए हुए स्पिरिट ऑफ वेव एनर्जी से उसको खूब मारता है। इतनी मार खाने के बाद टोगुरु अपने असली रूप में आ जाता है। इस बार वो अपने अंदर की 100% पावर को एक्टिवेट कर लेता है। इधर टोगुरु बहुत खुश भी था, क्योंकि वो पहली बार अपनी एनर्जी का 100% इस्तेमाल कर रहा था। अब उसके पास इतनी ताकत आ गई थी कि उसकी उंगली से निकलने वाली हवा भी हथियार से कम नहीं थी। टोगुरु उरामिशी को बहुत मारता है, लेकिन उरामिशी अपनी पूरी शक्ति का सही से इस्तेमाल नहीं कर रहा था, इसीलिए उसकी पूरी शक्ति को बाहर निकालने के लिए वो उसको बहुत मारता है। ही कुरामा और कुआबरा उसको रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो उन सभी को दूर फेंक कर कुआबरा के सीने में हाथ डालकर उसके दिल की धड़कन को बंद कर देता है। ये देखकर उरामिशी को इतना गुस्सा आता है कि वो अपनी सारी स्पिरिट ऑफ एनर्जी और गुरुमा के दी हुई स्पिरिट और एनर्जी दोनों को एक साथ इस्तेमाल करता है और एक ही पंच में टोगुरु को मार गिराता है। लेकिन टोगुरु इतनी आसानी से मरने वाला नहीं था। वो फिर से खड़ा होता है, जिसके बाद उरामिशी अपनी पूरी ताकत को इकट्ठा करता है और उसे टोगुरु के ऊपर छोड़ देता है। टोगुरु मरते मरते उरामिशी का शुक्रिया करता है, क्योंकि उसकी वजह से वो पहली बार अपनी पूरी ताकत से लड़ा था। जिसके बाद कोइनमा कुआबरा के पास जाती है और अपने योकई के जादू से उसको ठीक कर देती है। होश में आने के बाद कुआबरा कोइनमा से कहता है कि इंसानों ने तुम्हें बहुत तकलीफ दी है, लेकिन सब इंसान एक जैसे नहीं होते, तुम इंसान से नफरत मत करना। जिस पर वो कहती है कि मुझे तुम बहुत अच्छे लगे। ही भी अपना खंजर कुरामा को दे देता है, क्योंकि उसे उसकी बहन मिल चुकी थी, और साकियो अपनी शर्त के मुताबिक उस सिंकहोल को बंद कर देता है। जिसके बाद यमराज वहां से चले जाते हैं और साकियो खुद को ही गोली मार लेता है, क्योंकि अगर वो जिंदा रहता तो वो दोबारा से उस सिंकहोल को खोलने की कोशिश जरूर करता, जबकि वो हार मान चुका था। कहानी के एंड में हम सभी को साकियो के आइलैंड से वापस अपने घर लौटते हुए देखते हैं, लेकिन कुआबरा की ही से लड़ाई हो जाती है,
क्योंकि वो उसकी बहन पर लाइन मार रहा था, जिसके साथ यू यू हकुशो का ये पहला सीजन यहीं पर खत्म हो जाता है। बाकी आज के वीडियो में तो बस इतना ही, लेकिन प्लीज आप हमको कमेंट करके जरूर बताना कि ये सीरीज आपको कैसी लगी। और हाँ, अगर कोई रिकमेंडेशन हो तो उसको भी आप शेयर कर सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा उनमें से बेस्ट टॉपिक पर जल्द से जल्द वीडियो बनाने की। सो विद ऑल दैट सेड, मिलेंगे आपसे हम एक और नई इंटरेस्टिंग कहानी के साथ। पर हमेशा की तरह, तब तक के लिए धन्यवाद।